तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरे के बारे में। तो देख लीजिए, ये है एक्सरे की मशीन, ठीक ना। इसका इतिहास अभी मैं आपको बताऊंगा और इसी से जो रे निकलता है एक्स किरणें, ठीक ना, यहीं से रे निकलता है। और किसी का एक्सरे करना होता है, सपोज दैट हाथ का, तो इस प्रकार रखा जाता है, एक फिल्म आता है, तो इसी से एक्सरे होता है। यह एक पुरानी टेक्निक का मशीन है जिसे मैनुअल मशीन कहते हैं। आजकल तो डिजिटल मशीन आ गया है। और जब एक्सरे किया जाता है एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा, तो इसे माथे पे पहना जाता है और इसे आपके बॉडी पे, ठीक ना, शरीर पे, तो इसको नाम है एप्रोन। और इसके अंदर में जो है सारा कुछ मशीन का सिस्टम होता है, केबी टाइमिंग सेट करना होता है, वो सारा कुछ। अब हम जानते हैं एक्सरे के इतिहास के बारे में। तो एक्सरे का ही एक रूप होता है सीटी स्कैन, ठीक ना। सीटी स्कैन सपोज डेट समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा हैवी किरणें निकलती हैं और इसमें थोड़ा लो किरण, ठीक। तो एक्सरे बड़ा छोटा भाई है और सीटी स्कैन बड़ा भाई है, ये समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक्सरे से संबंधित कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिए ताकि आपके दिमाग में एक मोटा मोटा अनुमान सभी चीज़ों का हो सके, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक्स एक रे का हिंदी होता है विकिरण। तो एक्स किरणों की खोज या एक्स विकिरणों की जो हो क्या है तरंग दैर्ध्य 10 पिकोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक। इनका तरंग दैर्ध्य होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दो नंबर पॉइंट, एक्सरे किरणों के दूसरा नाम क्या है, रोंटजन किरणें। जो ये रोंटजन जो खोज किए थे एक्सरे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, रोंटजन किरणें। विदेशों में एक्सरे को रोंटजन किरणें कहा जाता है, ठीक, रोंटजन रे कहा जाता है। तीसरा चीज़ क्या है कि जर्मन भौतिक शास्त्री रोंटजन ने 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की खोज की थी, यानी कि एक्स विकिरणी की खोज किसने की थी, जर्मनी देश का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोंटजन, ठीक, उसी ने 8 नवंबर 1895 ईस्वी में इस रे की खोज की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, विलियम रोंटजन की खोज के लिए उन्हें भौतिक का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक का यानी कि फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विलियम रोंटजन को दिया गया एक्सरे की खोज के लिए, ठीक। अगला क्या है कि रोंटजन ने पहला एक्सरे फोटो अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ के हाथ का लिया था, जिसका पिक्चर मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, देखिए यही है, हाँ यही इनकी वाइफ का फ़ोटो है। 22 दिसंबर 1895 के दिन में ये फ़ोटो खींची थी अपनी वाइफ का। यह मानव शरीर की हड्डियों का पहली तस्वीर है, ठीक ना, जब रोंटजन ने लिया था। जब उनकी पत्नी ने अपनी एक्सरे की फ़ोटो को देखा तो उन्होंने कहा, देखिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हूँ, मैंने अपनी मौत देखी है, उसकी पत्नी ने कहा है अपने शब्दों में, जिसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है। आइए इसके बाद हम आपको चीज़ों को कुछ बताते हैं। तो देखिए, एक्सरे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सुन लीजिए। एक्सरे का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने के लिए, फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों के कैंसर, पथरी आदि के पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला है कि सीटी स्कैन जिसे आप कंपेट टोमोग्राफी कहते हैं, ठीक ना, कंपेट टोमोग्राफी सीटी स्कैन जो है एक्सरे की बड़ी खुराक है, यानी कि एक्सरे का बड़ा भाई है, इसमें ज़्यादा मात्रा में रे निकलते हैं। जबकि एक्सरे जो है, जो अभी मैंने आपको मशीन दिखाई, इसमें छोटा मात्रा में रे निकलता है, कम खुराक में रे निकलती है, ठीक ना। उसके बाद आपका क्या है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम, देखिए सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक चेतावनी दी गई कि महिलाओं को एक्सरे से बचना चाहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी आपको एक्सरे करना चाहिए, और महिलाओं को विशेष रूप से। एक्सरे जो है कुछ खराबियाँ होती हैं इनमें, कुछ हानियाँ होती हैं, इसलिए आपको जब तक ज़रूरी ना पड़े, आवश्यक ना पड़े, तब तक आप एक्सरे को मत कीजिए। लेकिन हाँ, जब ज़रूरी पड़ जाए तब एक्सरे को कीजिए, लेकिन बार बार एक्सरे से बचना चाहिए। अगला क्या है, देखिए, साथ ही सीटी स्कैन भी करने से बचना चाहिए महिलाओं को। हवाई अड्डों, पुलिस के पास एक्सरे का उपयोग निरीक्षक के लिए जो है स्कैन करने के लिए पुलिस और हवाई अड्डों में किया जाता है एक्सरे का उपयोग, ठीक ना। तो ये एक एक्सरे का छोटा छोटा उपयोग, एक्सरे आप देखें किस प्रकार होता है वो भी मैंने आपको छोटा सा प्रोसेस दिखाया मशीन के माध्यम से। अब आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो गया है कि जी हाँ, एक्सरे होता है इस प्रकार का, ठीक ना। तो अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये एक्सरे का मशीन है, इसी से फ़ोटो लिया जाता है, ठीक। यह मैनुअल मशीन है, और एक आता है डिजिटल मशीन, और एक आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है जहाँ पे ज़्यादा रे निकलती है, ज़्यादा मात्रा में हेवी किरणें निकलती हैं, और इसमें थोड़ा सा जो है कम नरम किरणें निकलती हैं, नरम, और इस उसमें हेवी मात्रा में खुराक ज़्यादा होता है। तो ये हो गया एक एक्सरे का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक्सरे
को आप हो सके तो जितना कम करें उतना ही बेटर होगा आपके लिए। और जब जरूरी पड़े, हाथ पैर टूट जाए या फिर कहीं पेट की पथरी हो तभी करें। और गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चे को जिनका 6 महीना साल भर हुआ है, वैसे लोगों को खासकर एक्सरे से बचना चाहिए। तो ये एक मेरी छोटी सी राय है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले, सभी कोई एक साथ मिलजुल कर रहें। धन्यवाद। तो पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।